नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक नाल का बैग। तो देखिए, ये हमारा नाल है। नाल सबसे पहले इसके नीचे की पेदी बनाएंगे, पेदी का बेस तैयार करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सफ़र पे। ये हमारी इसकी पेदी तैयार हो गई नीचे की। ये नीचे का बेस हो गया, ऊपर से अस्तर, इसमें प्लाई, फोम वगैरह सब कुछ पड़े हैं। अब इसकी बॉडी की कटिंग भी हो चुकी है। इसका सामने का पल्ला, पहले हम सारे इसके पार्ट को अलग अलग बना लेंगे। ये इसकी सामने की पॉकेट हो जाएगी, जिसमें छोटा मोटा अपना सर सामान, डॉक्यूमेंट्स, पाउडर, नाल की हथौड़ी सब इसमें रखेंगे। इसमें आप देखिए, सब मोटे दाना के चैन 10 नंबर। अब जैसा कि इसके बॉडी पे काम हो रहा है, सबसे पहला काम इसका शोल्डर तैयार किया जा रहा है। शोल्डर का बेल्ट और बेल्ट पे वीडिंग नायलोन, उसके ऊपर से स्टील टप, ताकि नायलोन सड़े ना, ख़राब ना हो। देख रहे हैं बॉडी तैयार हो चुकी है। इस पर चैन पट्टी का काम किया जा रहा है। ये हमारी सामने की बॉडी, 10 नंबर चैन पट्टी लगाई गई इसमें। और इसके हुक के लिए ये नीचे नायलोन, इसके ऊपर से इसी कपड़े स्टील टप को मड़ के लगाया गया है, ताकि कोई दिक्कत ना आए बैग में, बैग की लाइफ अच्छी चले। आप चाहें तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से ऑर्डर भी दे सकते हैं बैग के लिए। तो दोस्तों, फाइनली हमारा बैग तैयार हो गया नाल का। ये देखिए नाल, और ये इसका बैग। और इसको जरा हम करीब से देखते हैं, इसकी क्वालिटी, इसकी ख्वाहिश देखिए। ये इसका आवरण हो गया पेंदा, ये इसका सेकेंड पार्ट। अब इसमें लगाई गई है क्लिप, जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे का पूरा बेस। ये पॉकेट है, ये इसका चैन। और हम इसमें नाल को रख के देखते हैं। चलिए नाल को देखते हैं रख के। ये इसमें फिट एकदम, इसको ऐसे कवर कर लेंगे। दो चैन लगाएंगे। ये हमारा नाल रख के तैयार हो चुका है। हेलो, आई इसका नीचे का पूरा बेस, हमारा नाल, ये इसका शोल्डर, ये इसमें पुश क्लिप लगाई गई है बैग की लाइफ बढ़ने के लिए। चैन हमेशा टिका रहे, मजबूती बनी रहे। और अब हम इसको फिनिश करते हैं। ये हो गया पूरा हमारा बैग तैयार। ये शोल्डर बक्का देखिए,